कहीं जाना है आपको, तो अगर गाड़ी पकड़नी है तो पहले जाओगे कि बाद में जाओगे? हैं? फ्लाइट में तो 2 घंटा पहले बुला लेते हैं, है ना? और ट्रेन में भी कम से कम जो समय है उस टाइम पे पहुंच जाए। जितना लेट चलोगे उतनी टेंशन हो जाती है, उतनी हड़बड़ाहट रहती है। लेट हो गए तो फिर न खाना अच्छा लगेगा, न कौन आ रहा, बस एक ही चिंतन, गाड़ी पकड़नी, गाड़ी पकड़नी, गाड़ी पकड़नी, छूट ना जाए, छूट ना जाए। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, और गाड़ी निकलने के बाद जाएगा स्टेशन तो फिर रोते धोते ही वापस आएगा, ना छूट गई गाड़ी, गाड़ी छूट गई। तो ये गाड़ी छूट जाएगी तो फिर दूसरी गाड़ी पकड़ लोगे, ये फ्लाइट छूट जाएगी तो दूसरी फ्लाइट पकड़ लोगे, लेकिन जीवन रूपी गाड़ी छूट गई तो यहाँ फिर दूसरी गाड़ी मिलने वाली नहीं है। जीवन खत्म हुआ तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से चला मुसाफिर। ओ गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मुसाफिर घर से मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापिस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता, वापिस बेरंग आया, जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो। तन की मशीनरी ने जब काम करना छोड़ा, अभी तन की मशीन काम कर रही है, आंख भी मशीन है, कान भी मशीन है, नाक भी मशीन है, किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब मशीनरी है, पर ये मशीनरी सदैव ऐसे ही काम नहीं करेगी। ज्यों ज्यों आयु ढलती जाएगी इनकी शक्ति क्षीण होते जाएगी, आंखों से दिखाई देना बंद होने लगेगा धीरे धीरे, जीवनी शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो रही है,
जब हम जन्म लेते हैं तो एक निश्चित जीवन की शक्ति को लेकर के पैदा होते हैं, लेकिन वो शक्ति को व्यक्ति कैसे खर्च करता है? जल्दी खर्च करता है कि उस शक्ति को सदुपयोग करता है? गाड़ी ली, उठपटांग चलाएगा, ब्रेकर कुदाएगा, जल्दी कबाड़ा हो जाएगा। ऐसे शरीर को भी कबाड़ा करना है, खूब खाओ, उठपटांग टाइम पे खाओ, कुछ भी इसके अंदर डालते जाओ, इसको क्या सेहतमंद है नहीं है, बस स्वाद के पीछे खाओ खाओ खाओ, समय से पहले मशीन काम करना बंद कर दे। जो समय से पहले चश्मे लग रहे हैं, क्या है, सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा अधिक मोबाइल चलाएंगे, आंखों की रोशनी छिड़ होगी, बहुत तेज तेज साउंड सुनेंगे, कान बहरे हो जाएंगे। जो भी मशीन है, इनका हम अगर सदुपयोग नहीं करेंगे, दुरुपयोग करेंगे तो मशीन जल्दी खराब हो जाएगी। तो तन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। अरे अब जब बिल्कुल पैर लड़खड़ाने लगते हैं तो फिर संभल के चलते हैं, सुनाई नहीं पड़ता तब ढंग से सुनने की कोशिश करते हैं। भोजन जब दांत जो है धीरे धीरे गिरने लगते हैं, ये सब धीरे धीरे सबके साथ होना है। तो जब तन की मशीनरी ठीक से काम करना छोड़ दे, उससे पहले थोड़ा ठीक से चलो, बचपन ऐसा जिए जवानी अच्छे से गुजरे, जवानी ऐसे जिए कि बुढ़ापा भी आराम से कट जाए, किसी के ऊपर हम डिपेंड ना रहें, लाचार ना रहें, मोहताज ना रहें, बीमारियों से ना घिरे। इसलिए अभी से गुरुदेव कितनी करुणा कृपा करते हैं कि ये खाओ ये मत खाओ, और गुरुदेव तो बोल बोल के थक गए कि आलू नहीं खाना है, पर हम तो हैं सिंधी साई, हमको तो पहला भोजन ही आलू चखाया जाता है, मुंह में पहला ही ग्रास आलू का ही डाला जाता है, पर आलू बहुत नुकसान करते हैं। फ्राई चीजें खाना, जरूरत से ज्यादा तला हुआ खाना, लेट खाना, ये सब चीजें क्या है, गुरु जी कह रहे हैं। इसलिए अभी से इस मशीनरी को थोड़ा ठीक ठाक चलाओ। तन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा हो सीखा, जब ठीक चलना सीखा हो सीखा, जब ठीक चलना सीखा गुरुवे, जब ठीक चलना सीखा हो सीखा, जब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन की हर एक, जब बूढ़े तन की हर एक, पुरजे में जंग आया, जब बूढ़े तन की हर एक, पुरजे में जंग आया, जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो, महफिल में रंग आया, जब बुझ गई समा तो। वक्त में ना सुमरण का वक्त निकाला, जीवन कितना समय ऐसे ही बर्बाद होता है, सुबह से लेकर शाम तक थोड़ा हम देखें तो सुमरण के लिए कितना वक्त निकालते हैं,
सुमरण के लिए वक्त नहीं है। शादी में, विवाह में, पार्टी में, इधर उधर रिश्तेदारी निभाने में समय निकाल लेते हैं। चाहे मुंबई में रहता हो, दिल्ली में रहता हो, उसके साथ चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। अभी सुमरण का वक्त मिला हुआ है, अभी शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सबल है, हाथ पैर चल रहे हैं, आंख देख सकती, कान सुन सकते, जीवा बोल सकती है, शरीर साथ दे रहा है, तो अभी हम चल लें, यात्रा कर लें। हम अधिक दोपहरी होने पर यात्रा करने में तकलीफ पड़ती है, पैर जलते हैं, धूप तेज होती है, ऐसे बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, शरीर साथ नहीं देता है। इसलिए फुर्सत के वक्त में ना सुमरण का वक्त निकला, फिर जब समय आया और ये एहसास हुआ कि ओहो समय ऐसा ही चला गया। आप सब कितनी माताएं बहने भाई, आपका बचपन कैसे चला गया देखते देखते पता नहीं चला, कब शादी हो गई हूं पता ही नहीं चला, शादी होके बच्चे हो गए और बच्चे बड़े हो गए, आपको लग रहा है अभी कुछ भी नहीं, पर समय बहुत बीत गया, बहुत समय चला गया, अब समय नहीं है। इसलिए मृत्यु निकट आ जाती है, फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस समय एहसास हो जाता है कि आए थे हरि भजन को, ओट रहे थे कपास, क्या हाथ लगा, जो कमाया वो छोड़ोगे, जो बनाया वो बिगड़ेगा, कुछ भी नहीं साथ क्या जाएगा, सोचो। कमाओ अच्छी बात है, पर रोज रोज एक ही चीज खिलाएंगे तो अच्छा लगेगा, भोजन में सब्जी भी हो, दाल भी हो, चावल भी हो, जितनी वैरायटी होती है अलग अलग स्वाद, ऐसे ही जीवन में सब चीजें जरूरी है, कमाना जरूरी है, खर्च करना भी जरूरी है, सेवा भी करना जरूरी है, सुमरण करना भी जरूरी है, भगवान का भजन भी जरूरी है, सब जरूरी है, पर एक ही चीज पर ज्यादा टाइम दे देना अनबैलेंस हो जाएगी गाड़ी। इसलिए अभी फुर्सत निकालो थोड़ा समय, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला ना निकला, सुमिरन का वक्त निकला ना निकला, सुमिरन का वक्त निकला, हो फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला ना निकला, सुमिरन का वक्त निकला ना निकला, सुमिरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो, महफिल में रंग आया जब बुझ गई समा तो, महफिल रंग आया जब बुझ गई समा तो, हरि बोल। बचपन हंसते देखा, दोपहर मस्त जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। इसलिए अब मृत्यु निकट आ गई, आंखों से दिखाई देना कम पड़ गया, कानों से सुनाई देना कम पड़ गया, हाथ पैर लड़खड़ाने लगे, जीवा भी लड़खड़ाने लगी, जीवनी शक्ति नष्ट होते होते और मृत्यु निकट आ गई। अब मृत्यु आएगी तो आपको लेने कौन आएगा, क्या चाहते हो, कौन लेने आए, कौन लेने आए, क्या चाहते हो, भगवान के पार्षद आए कि यमराज जी के दूत आए, कौन आए,
भगवान के पार्षद आए ऐसा चाहते तो सब हैं, पर भगवान के पार्षद तब आएंगे जब आप भगवान को चाहोगे। दुनिया देखो अजब दीवानी, भक्ति भाव ना बूझे जी। भगवान का भजन भी किस भाव से कर रहे हैं, सुमरण भी किस लिए कर रहे हैं, क्या भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? नहीं, हमारा दुख दूर हो जाए, हमको ये पद मिल जाए, हमको धन मिल जाए, परिवार मिल जाए, कुछ संसारिक एक यही इच्छाओं और कामनाओं का हमारी कभी खत्म नहीं होती। उनको याद रख के भगवान का भजन करोगे। दुनिया देखो अजब दीवानी, भक्ति भाव ना बूझे जी। कोई आवे दुख का मारा, दुख है तो हम पर कृपा कीजिए जी। कोई आवे बेटा मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी। यही संसार में चल रहा है, लेकिन हम भगवान से भगवान को चाहें। मीरा का दर्शन कैसा है? मीरा कहती जित देखो तित श्याम मई, तू ही तू प्रभु तू ही तू। तो मीरा को तो भगवान के पार्षद क्या स्वयं भगवान लेने आएंगे? भगवान के पार्षद तो थोड़ी बहुत पुण्या ही है ना, स्वर्ग में जाओगे तो भगवान के पार्षद आएंगे। लेकिन संत, संत के द्वार पर तो साक्षात भगवान रहते ही हैं, उनसे भिन्न नहीं। ना हम बसामी वैकुंठे, योगी नाम हृदय नवय, मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान की हाजिरी, भगवान का वास तो उनके जहां कथा सत्संग होता वहां होती है। चाहते हैं कि भगवान के पार्षद आए, पर जगत की आस अगर रखेंगे, आशा तृष्णा इच्छाएं और कामनाएं, और सत्कर्म नहीं किया, भजन नहीं किया, सुमरण नहीं किया, और संसार को ही चाह के संसार की चाहत रखी, तो फिर भगवान के दूत यमराज के दूत आएंगे। मृत्यु आ गई निकट, यमराज फौज लेकर आएंगे। कब? आयु ने नत्थ सिंह जब हथियार फेंक डाले हो डाले, हथियार फेंक डाले हो डाले, हथियार फेंक डाले हो। आयु ने नत्थ सिंह जब हथियार फेंक डाले हो डाले, हथियार फेंक डाले हो डाले, हथियार फेंक डाले। यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर, करने को जंग आया। जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो, महफिल में रंग आया। जब बुझ गई समा तो, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीने का ढंग आया। जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो, महफिल में रंग आया। जब बुझ गई समा तो, जब बुझ गई समा तो, महफिल में रंग आया। जब बुझ गई समा तो, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, हरि बोल। हरे 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 रामा, हरे रामा रामा रामा,
हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे रामा रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे हे रामा रामा हरे हरे रामा रामा हरे हरे ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 ताली ओम 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 हरे ओम हरि ओम ओम हरि नाम कीर्तन करने से भगवान नाम का उच्चारण करने से दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजाना से हमारे शरीर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भीतर से नव चेतना नई उमंग उमंग साहस हिम्मत शक्ति और भक्ति जगती है। ओम 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 चेहरे पर स्माइल लेके आइए, थोड़ा मुस्कुराइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए, गुरुदेव को धन्यवाद दीजिए कि ऐसा सुनहरा अवसर प्राप्त कराया। इस संध्या की पावन वेला में गुरु के द्वार पर भगवान के भजन सुमरण के लिए बैठे हैं। कथा कीर्तन जा घर भय संत भय मेहमान वह घर हरिवासा की ना वो घर वैकुंठ समान। ओम 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 हसो हंसने का पैसा नहीं लगता है, फ्री की दवाई है। खूब हंसो रोते हो इस विध क्यों प्यारे, हंसते के साथ हंसती है दुनिया, रोते को कौन बुलाता है। खिला हुआ फूल और माला भगवान के चरणों तक भगवान के गले तक पहुंच जाती है, मुरझाया हुआ फूल कौन चढ़ाता है। इसलिए गुरुदेव कहते सदैव सम और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है।